क्वेश्चन नंबर 24, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एट टी इक्वल्स टू जीरो थ्रू अ रेजिस्टेंस आर. फाइंड द मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. व्हेन डज द रेट हैज दिस मैक्सिमम वैल्यू. स्टूडेंट, किसी आरसी सर्किट में क्या होता है, शुरू में कैपेसिटर अनचार्ज्ड होता है, चार्ज उस पर जीरो होता है, चार्ज जीरो होता है, क्यू का वैल्यू जीरो होता है, तो उसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो स्टोर किए नहीं रहता है. लेकिन आप जैसे ही क्या होता है कि आप उसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं, तो क्या होता है उस पर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है, उस पर चार्ज आना शुरू होता है. और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है उसमें जो एनर्जी स्टोर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जिसको नॉर्मली स्टूडेंट हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, और उसका वैल्यू होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी. तो जैसे जैसे उस पर चार्ज बढ़ते जाता है, ठीक है, चार्ज जैसे जैसे बढ़ते जाता है एनर्जी भी उस हिसाब से एनर्जी भी उसका बढ़ते चला जाता है, ठीक है. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ये जो एनर्जी बढ़ रहा है तो इसका जो रेट है टाइम के साथ, ये एनर्जी कैसे बढ़ रहा है, पर यूनिट टाइम कैसे बढ़ रहा है, उसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को निकालना है, वन थिंग, और किस टाइम पे इसका रेट जो है ये मैक्सिमम होगा. क्वेश्चन क्लियर है तो बहुत ही आसान है भाई. हम लोगों को पता है कि इन जनरल एनर्जी जो स्टोर होता है किसी भी टाइम टी पे, अगर कैपेसिटर पे मान लिया क्यू चार्ज है, कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, अगर क्यू चार्ज है तो उस टाइम पे इसमें कितना एनर्जी होगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी. तो हम लोगों को निकालना है भाई डी यू बाई डी टी, मतलब एनर्जी टाइम के साथ. पहले तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हम लोग को डी यू बाई डी टी कि एनर्जी टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है ये निकालना पड़ेगा. सिंपल सा बात है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, डी यू बाई डी टी करेंगे. ध्यान दीजिएगा बहुत आसानी से. अब इनफैक्ट इस क्वेश्चन में फिजिक्स से ज़्यादा मैथ्स है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. कैपेसिटेंस इसका फिक्स है, टू आपका कॉन्स्टेंट है, तो वन बाई टू सी. इनफैक्ट आपको क्या करना होगा, डी क्यू स्क्वायर बाई डी टी, इस टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के एस्पेक्ट में. देखते जाइएगा, ये हो गया 1/2c. अब डी क्यू स्क्वायर को थोड़ा सा स्पीड एक दो स्टेप स्किप कर सकते हैं. क्यू स्क्वायर को पहले क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2q, ठीक है. इतना बेसिक पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल गिव यू डिटेल. तो डी क्यू हो गया, फिर डी क्यू बाई डी टी बच जाएगा, ध्यान दीजिएगा. तो डी क्यू बाई डी टी को हम आई लिख देंगे, करेंट लिख देंगे. क्लियर है यहाँ से. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ये आपका फाइनली हमारे पास आ गया डी यू बाई डी टी. डी यू बाई डी टू से टू कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/c, ध्यान दीजिएगा. अब ये बच गया क्यू इंटू आई, ध्यान दीजिएगा, ये 1/c इंटू क्यू. क्यू क्या, किसी भी टाइम टी पर ये चार्ज है, किसी टाइम टी पर चार्ज है क्यू, जो कि हम लिख सकते हैं क्यू नॉट 1-e−t/τ. किसी भी चार्जिंग सर्किट में किसी भी टाइम टी पे कैपेसिटर पे इतना चार्ज होता है, ठीक है. और करंट का वैल्यू कितना होता है सर्किट में, I0e−t/τ, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए. चलिए यहाँ से हो गया आपका du बाई डी टी. यहाँ से चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज हो गया, I0 मैक्सिमम चार्ज हो गया, इसको q0 I0 divided by c, और ये हो गया ध्यान दीजिएगा 1-e−t/τ. मतलब क्या हो गया, RC टाइम कांस्टेंट इंटू e−t/RC. चलिए ठीक है, ये हो गया du/dt इक्वल टू, अच्छा क्यू नॉट मैक्सिमम जो चार्ज होता है उसका वैल्यू होता है CE. हम लोग पहले बहुत बार यूज कर चुके हैं. I0 आपका ये मैक्सिमम करंट होता है जिसका वैल्यू होता है E/R. तो ये आपका इस तरह से इतना वैल्यू यहाँ पे आ गया, ध्यान दीजिएगा. इसको चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये अंदर में हो गया e−t/RC, ये हो गया e−2t/RC. अच्छा, इसलिए फाइनली ध्यान दीजिएगा यहाँ से ये du/dt ये कितना निकल गया, सी से सी कैंसिल हो गया, e²/r बच गया, e²/r, और ये हो गया अंदर में e−t/RC −e−2t/RC. ध्यान दीजिएगा यहाँ से अब हम लोगों को पता चल गया कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है टाइम के साथ, एनर्जी जो टाइम के साथ स्टोर हो रहा है, किस रेट से एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो इस रेट से एनर्जी स्टोर हो रहा है, पर हर टाइम के साथ इस रेट से एनर्जी स्टोर हो रहा है, ये हम लोगों को पता चल गया. लेकिन हम लोगों को निकालना है इसका मैक्सिमम वैल्यू, किस समय रेट ज़्यादा है, किस समय तेजी से एनर्जी स्टोर हो रहा था. क्लियर है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे e²/r फिक्स है आपका, कॉन्स्टेंट है, तो ये कब मैक्सिमम होगा, ये कब मैक्सिमम होगा, मतलब कि du/dt आपका ये मैक्सिमम कब होगा, ये कब मैक्सिमम होगा, जब ये जो टर्म है ना, ये पूरा टर्म जो है ये आपका मैक्सिमम होगा. क्लियर बात है, ये तभी मैक्सिमम होगा, ठीक है. तो मान लेते हैं, अब सिंपल मैथ है, देखिए अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा. तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो टर्म है, ध्यान दीजिएगा, लेट
यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं लेट वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर क्या टर्म माइनस टी बाई आर सी माइनस ई टू द पावर माइनस टू टी बाई आर सी कैसे सोचेंगे ठीक है। तो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे इसको हम लोग अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में, चूंकि ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है ना, तो डी वाई बाई डी टी सिंपल मैथ्स ठीक है नॉट फिजिक्स। तो इसको पहले हम डी वाई बाई डी टी का वैल्यू निकालेंगे और उसको हम जीरो के बराबर करेंगे, वहां से क्या होगा हमारा टी का वैल्यू निकलेगा कि इस टाइम पर रेट मैक्सिमम है और उस टी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे ना तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा, क्लियर बात है। या फिर टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वाई का मैक्सिमम वैल्यू, समझ रहे हैं स्टेप समझ रहे हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, इसीलिए अभी हम लोग क्या करेंगे डी वाई बाई डी टी निकाल के और इसका वैल्यू को जीरो करेंगे। तो एक लाइन यहाँ पे ऐसा करते हैं हम लोग स्टूडेंट, यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं फॉर वाई टू बी मैक्सिमम, फॉर वाई टू बी मैक्सिमम, जैसा कि मैथ्स वाले स्टूडेंट को वाई टू बी मैक्सिमम नॉर्मली हम लोग कैलकुलस में आप लोग क्या लिखते हैं फॉर वाई टू बी मैक्सिमम, वाई को मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा डी वाई बाई डी टी का वैल्यू जीरो के बराबर होना चाहिए। तो अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे डी वाई बाई डी टी का वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फाइनली हम लोग डी वाई बाई डी टी का वैल्यू निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं इक्वल टू जीरो करने पर टाइम का इतना वैल्यू आ रहा है वन थिंग। सेकेंड थिंग यहाँ पे ओनली मैथ्स है, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन का यूज है, तो बहुत डिटेल से यहाँ पे सारा हम बना दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोगों का टी का वैल्यू निकल गया, मतलब कि इतना टाइम पे कितना आर सी एल एन टू इतना टाइम पे आपका जो रेट होगा जो एनर्जी जिस रेट से एनर्जी स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में वो मैक्सिमम होगा, उस समय बहुत तेजी से एनर्जी स्टोर हो रहा होगा। तो हम लोगों को टाइम भी बताना था कि भाई किस टाइम पे ये रेट जो है मैक्सिमम होगा और साथ ही साथ उसका वैल्यू क्या होगा, वो मैक्सिमम उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो अब सिंपल हम लोग कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट, टाइम का वैल्यू टी का इतना जो वैल्यू आया है ये हम लोग यहाँ पर टी में रख देंगे, जब टी का वही वैल्यू हम रखेंगे तो डी वाई बाई डी टी का हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा जो कि आगे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। आप इसको नोट कर लें, यहाँ पर हम इसको डिलीट करके यहीं पर हम इसको डिटेल आपको बता देते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट हम लोग डी यू बाई डी टी का मैक्सिमम वैल्यू निकाल चुके हैं, टाइम का इतना वैल्यू आया था तो इतने ही टाइम का वैल्यू मतलब इसी टाइम पे टी का वैल्यू इतना पुट करेंगे, डी यू बाई डी टी का आपका वैल्यू निकल गया है वन थिंग। सेकेंड थिंग यहाँ पे लॉगरिथम का प्रॉपर्टी कुछ यूज हुआ है, आप देख सकते हैं ओनली मैथमेटिक्स नॉट फिजिक्स, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी डिटेल से मैंने सारे स्टेप्स को लिख दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं।